डॉक्टर साहब इसको चेक करें, इसके पेट में बहुत दर्द रहता है। रुको रुको, इसका तो एक्सरे होगा। फिर करें? हाँ? इसका तो एक गुर्दा नहीं है। ऐसा बोलो, हमने इसका गुर्दा बेचकर आटा लिया था। ओ भाई रुको रुको, आटा खत्म होने वाला है। आयोरी माँ आतंकवादी कहती है सरकार हमें, लेकिन हम आतंकवादी नहीं, हम हकूमत के सताए हुए लोग हैं। इधर आओ बेटा, आज क्या हाथ लगा है? सरदार आज एक बटवा और एक मोटरसाइकिल हाथ लगा है। मोटरसाइकिल आपके धेरे पर खड़ा है और चाबी ये है। क्या बात है बेटा। हा? ये लो जाके जूस पी लेना। सरदार की खैर हो। तुम इधर आओ, बताओ आज क्या क्या हाथ लगा। ये हाथ लगा है डब्बी, वो भी छोटी सी जिसमें सिगरेट भी पूरे नहीं है। बताओ और क्या लगा है, छुपाओ मत। आपके काम की चीज नहीं है। नहीं नहीं मुझे दो। सरदार को क्यों मारा? मैं चोरी करने गया और पकड़ा गया, उन्होंने मुझे ये दिया और सरदार के कहने पर मैं इन्हें दे दिया। छोड़ो छोड़ो इसे, ये ईमानदार लगता है। भाईजान जी, भाई साहब जी, आपके पैसे गिर गए हैं। वाह भाई वाह, आप में तो इंसानियत है। वैसे आपकी शक्ल चोरों वाली है, लेकिन अंदर से आप ठीक हैं। आपकी मेहरबानी, ये 100 पकड़े और मैं आपको और भी 100 देता हूँ इनाम में। ये लो। ये मैं रख लूँ? रख लो। भाई जान जी, भाई साहब जी, आपके पैसे गिर गए थे। वाह भाई वाह, भाई साहब इस दौर में भी आपने इंसाफ किया है। अल्लाह ताला ऐसे इंसानों को सलामत रखे। ये लो 200, ये लो और 200 मैं आपको इनाम देता हूँ। ये लो। ये मैं रख लूँ? रख लो भाई, रख लो, तुम रख लो। भाई जान जी, भाई साहब जी, ये 1000 रुपया आपका गिर गया था। यकीन नहीं आता भाई, ऐसे दौर में भी आप जैसे इंसान जिंदा है। एक और बात बताऊं, इस बार मैं आपको पैसे नहीं देने वाला, क्योंकि मेरे खुद ही काम आने वाले हैं। आयो बीमा।